नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। एक्सीडेंट के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। मारुति सुजुकी की एक कार जिसने जी एन कैप में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था वो है मारुति ब्रेजा, और ब्रेजा के अलावा रिसेंटली क्रैश टेस्टेड अर्बन क्रूजर ने भी वही कमाल किया है। एंड अर्बन क्रूजर इस बार ब्रेजा से बेहतर पॉइंट्स लाई है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि अर्बन क्रूजर का पेट्रोल वेरिएंट टेस्ट किया गया हो और ब्रेजा का डीजल वेरिएंट टेस्ट किया गया था। हालांकि यहाँ मेन चीज़ यही है कि गाड़ी ने एक अच्छी परफॉर्मेंस मेंटेन रखी है, और यही रीज़न है कि जिस वजह से खुद जी एन कैप के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि न्यू ब्रेजा 2022 आसानी से 5 स्टार स्कोर कर सकती है, क्योंकि विद टाइम कुछ मैन्युफैक्चरर्स कॉस्ट कटिंग के चलते स्टील क्वालिटी, मटेरियल्स, नंबर ऑफ वेल्ड्स जैसी चीज़ों को मेंटेन नहीं करते हैं, जिसे ब्रेजा या अर्बन क्रूजर ने मेंटेन किया है। ये आर्टिकल आप ऑटो कार एंड रशलिन पर भी देख सकते हैं। और नई ब्रेजा में पॉसिबल है ड्यू टू इंडियन नॉर्म्स 6 एयरबैग्स एंड ESC आपको बेस मॉडल से देखने के लिए मिले, तो एक और रीज़न ये बन सकता है ब्रेजा के लिए 5 स्टार स्कोर करने का। अर्बन क्रूजर के क्रैश टेस्ट रिजल्ट से जी एन कैप के ऑफिशियल काफ़ी खुश थे, एंड सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि वो लोग सरप्राइज थे ये देखकर कि किसी भी तरह से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, और कुछ चेंजेस के साथ आने वाली ब्रेजा 2022 5 स्टार्स आराम से ला सकती है। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ब्रेजा 2022 5 स्टार स्कोर करने में सक्सेसफुल रहेगी, एंड क्या मारुति की तरफ से एक सही कदम हमें इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।